मैं किसी शयान अहमद को नहीं जानती। आपको शानजे घर रिश्ता लेकर जाना है, 100 बिस्मिल्ला। लेकर जाए, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। आप ये बात तुम दिल से कह रही हो ना? जी, उसी दिल से कह रही हूं जिस दिल से मैंने आपके बेटे को बाहर निकाल फेंका। बस कर दो सजीला, सजीला ने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कुलसुम, मुझे आपसे इस बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। एक लड़की के पैसे की चौका चौंध में आपकी निगाहों में हमें बिल्कुल अजनबी कर दिया। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। सब समझती हूं मैं, बल्कि बहुत पहले समझ गई थी। बस यकीन अब आया है। इंशाल्लाह अल्लाह सजीला का भी बहुत अच्छा सबब बनाएगा। मैं खुद उसके आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिल जाएगा। बस आप अपने शानी की फिक्र करें। जुगनू नहीं आया अभी तक। अम्मी, खावर खुद छोड़ के गया है तुम्हें? जी, बस थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे। कह रहे थे शानी के घर आने से पहले ले जाएंगे मुझे। अच्छा छोड़े ना इस बात को। आप बताएं मामी से क्या बात हुई? बात हुई भी और समझो बात खत्म भी हो गई। क्या मतलब अम्मी, आपने इनकार कर दिया? शुक्र है मैंने इनकार नहीं किया। सजीला ने खुद ही शानी को सुबह इनकार कर दिया था। मैंने जब फरजाना से बात की तो सजीला ने बहुत बदतमीजी से कहा कि बात को बस यहीं खत्म समझे। उसने शानी को मना कर दिया। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, ये किस्सा भी खत्म हुआ। हाँ, मगर बात तो तब है जब शानी भी इस किस्से को खत्म समझे। अम्मी, जब सजीला ने इनकार कर ही दिया है तो समझे सब कुछ खत्म हो गया ना। शुक्र है शानी साथ था, वरना वो ये समझता कि हमने सजीला को मजबूर किया है ये फैसला करने पे। अम्मी, मैं शानजे को कॉल करके खुशखबरी देती हूँ। बेटा ठहर जाओ, अभी उसके हक में फैसला तो हो लेने दो। अम्मी समझे, फैसला हो ही गया है। देखे ना, रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो सजीला थी और अब वो भी साइड पे हो गई है। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो शानी की जिद है। जब शानी की जिद टूटेगी तो फिर शानजे के हक में फैसला होगा। अम्मी, वैसे आपको क्या लगता है, सजीला ने ये फैसला दिल से किया होगा? मुझे लग तो रहा है। जिस तरह उसने इस मर्तबा बात की है ना, मुझे लगता है फैसला पक्का है। मामी ने कुछ नहीं कहा? वो तो सजीला का मुंह देखती रह गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि सजीला इस तरह बात करेगी। बहुत दुख हुआ है उसे। अच्छा अम्मी, बस अब आप शानी को समझाएं। लोहा गरम है, उसे मनाएं, उसे बोले कि अपनी इज्जत छोड़ दे बस। करूंगी बात उससे। अब खावर लेने आ गया मुझे। तो अंदर नहीं आएगा क्या? नहीं अम्मी, वो कहते हैं कि जब तक शानी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो नहीं आएंगे। चले मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे आप बैठे, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुश रहो। पता है ना मम्मी क्यों आई है? मामी से डेट की बात करने आई है। हमारी शादी की तारीख फिक्स हो रही है यार। वो को मना कर दो मम्मी से ना बात करें। डर ही हो ना कि शान से मेरे तुम्हारे बीच में ना आ जाए, है ना? नहीं आएगी वो मेरे तुम्हारे बीच, वादा है मेरा। वो तो आ गई है शान अहमद। हम चाहे भी तो उसको नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी से। तो शादी नहीं कर सकती मैं। कैसा मजाक है सजीला? बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शानजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ ही थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। यह ना हो कि वो किसी और की हो जाए और तुम इस तरह हाथ मिलते के मिलते रह जाओ। क्या मसला है तुम्हें? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मसला क्या है तुम्हें? बता चुकी हूँ तुम्हें, नहीं चाहिए तुम जैसे कमजोर इंसान का साथ। मैं
मैं कमजोर हूं जो हर मौके पे हर मोड़ पे तुम्हारे लिए लड़ता रहा है? मुझे कमजोर कह रही हो तुम? अगर नहीं हो ना कमजोर तो साबित करो कि मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो मेरे लिए। क्या चाहते हो बताओ सजीला, क्या चाहती हो? क्या करूं मैं तुम्हारी मोहब्बत में बताओ। शांसे से शादी।